हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में आप लोगों को MT 13 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंतर्गत फरवरी 2021 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन है, इन अ कॉलेज बीए फर्स्ट ईयर क्लास कंसिस्ट्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स टेक इकोनॉमिक्स, 40 टेक हिस्ट्री एंड 40 टेक पॉलिटिकल साइंस, फर्दर 20 स्टूडेंट्स टेक ईसी एंड एचएस, 20 टेक ईसी एंड पीएस एंड 20 टेक एचएस एंड पीएस, ऑल्सो 10 स्टूडेंट्स टेक ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक नन ऑफ दिस थ्री सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक ई सी, ठीक है, इज इक्वल टू 40। इसी तरह से नंबर ऑफ एच एस इज इक्वल टू 40, नंबर ऑफ पी एस इज इक्वल टू 40, नंबर ऑफ ई सी इंटरसेक्शन एच एस इज इक्वल टू 20, ठीक है, नंबर ऑफ ई सी इंटरसेक्शन पी एस इज इक्वल टू 20, नंबर ऑफ एच एस इंटरसेक्शन पी एस इज इक्वल टू 20 और नंबर ऑफ ई सी इंटरसेक्शन एच एस इंटरसेक्शन पी एस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें 10। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, तीनों सब्जेक्ट में से कम एक सब्जेक्ट लेने वाले टोटल स्टूडेंट कितने हैं वो निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ ई सी यूनियन एच एस यूनियन पी एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई सी प्लस नंबर ऑफ एच एस प्लस नंबर ऑफ पी एस माइनस नंबर ऑफ ई सी इंटरसेक्शन एच एस माइनस नंबर ऑफ ई सी इंटरसेक्शन पी एस माइनस नंबर ऑफ एच एस इंटरसेक्शन पी एस प्लस नंबर ऑफ ई सी इंटरसेक्शन एच एस इंटरसेक्शन पी एस, ठीक है। तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम मान पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ क्या है 40, यहाँ पर 40, ठीक है, नंबर ऑफ पी एस भी हमें यहाँ 40 दिया हुआ है। इसी तरह से नंबर ऑफ ई सी इंटरसेक्शन एच एस 20 है, फिर नंबर ऑफ ई सी इंटरसेक्शन पी एस भी 20 है, नंबर ऑफ एच एस इंटरसेक्शन पी एस भी 20 है और फिर नंबर ऑफ ई सी इंटरसेक्शन एच एस इंटरसेक्शन पी एस क्या दिया हुआ है 10। तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा हमें 40 प्लस 40 प्लस 40 120, इसी तरह से -20 -20 -20 -60 फिर +10, तो इज इक्वल टू हमें यहाँ क्या हो जाएगा 120 प्लस 10 130 130 -60 70, यानी 70 स्टूडेंट्स हैं जो कम से कम एक विषय अवश्य लेते हैं तीनों में। तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो नहीं एक भी विषय नहीं लेते हैं इन तीनों में, तो टोटल स्टूडेंट कितना है क्लास में फर्स्ट ईयर में 100, तो 100 में 70 को माइनस कर देंगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक नन ऑफ दिस सब्जेक्ट इज इक्वल टू 100 - 70 इज इक्वल टू 30, ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग्स फ्रॉम द सेट ए बी सी डी टू द सेट 1 2 3 4, ठीक है, ये सभी एलिमेंट्स हैं सेट्स के, इज 4 फैक्टोरियल, चेक वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कह रहा है कि यहाँ इस सेट से इस सेट पर ऑन टू मैपिंग्स की संख्या क्या है 4 फैक्टोरियल है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पर द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम, हमें फॉर्मूला याद रखेंगे, द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम एन एम एलिमेंट, ठीक है, सेट एम एन एम एलिमेंट सेट ऑन टू ए के एलिमेंट सेट इज समेसन -y(i) ck(i), ठीक है, k-i(m), वेयर m ग्रेटर देन और इक्वल टू k ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेट में कितने एलिमेंट हैं 4 एलिमेंट हैं और इस सेट में कितने एलिमेंट हैं 4 एलिमेंट हैं। तो पहले सेट में जितना एलिमेंट है वहाँ m का वो वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, दूसरे सेट में कितना है हमें एलिमेंट 4, तो वह के का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, पहले सेट के एलिमेंट्स की संख्या m, दूसरे सेट के एलिमेंट्स की संख्या k। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इसकी सहायता से हम पता कर लेंगे, ठीक है, समेसन i इज इक्वल टू 0 to k, k का वैल्यू क्या है 4, फिर -1 to the power i, फिर c k की जगह 4, ठीक है, i, फिर यहाँ k की जगह 4 - i, m का वैल्यू क्या है हमें 4 है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसके डिफरेंट वैल्यू को लेंगे और उसे ऐड करते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले i का वैल्यू 0 लेकर चलते हैं इसमें, तो -1 to the power 0, फिर सी 4 0, फिर इंटू यहाँ 4 - 0 to the power 4, फिर प्लस, फिर इसमें हम i की जगह 1 पुट करते हैं, -1 to the power 1, सी 4 1, फिर इंटू सी 4 - 1 to the power 4, ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस, अब हम 2 पुट करेंगे, -1 to the power 2, सी 4 2 इंटू 4 - 2 to the power 4, फिर यहाँ प्लस -1 to the power 3, सी 4 3 इंटू 4 - 3 to the power 4, ठीक है, फिर प्लस, अब 4 ले लेंगे आई की जगह, -1 to the power 4, सी 4 4 आ जाएगा, फिर 4 - 4 to the power 4, तो इज इक्वल टू हमें यहाँ -1 to the power 0 1 होगा, सी 4 0 का वैल्यू 1 होगा, 4 - 0 यानी 4 4 to the power 4, फिर प्लस -1 to the power 1 -1, फिर इंटू सी 4 1 का वैल्यू 4, फिर इंटू 4 - 1 whole to the power 4 क्या हो जाएगा 3 to the power 4, फिर प्लस -1 square क्या हो जाएगा 1, ठीक है, फिर इंटू सी 4 2 का वैल्यू 6 इंटू 4 - 2 2 to the power 4 हो जाएगा यहाँ पर, फिर प्लस -1
क्यूब क्या हो जाएगा माइनस वन ही होगा, सी फोर थ्री का वैल्यू फोर होगा इंटू फोर माइनस थ्री टू डी पावर फोर क्या हो जाएगा वन टू डी पावर फोर, फिर प्लस माइनस वन टू डी पावर फोर वन ही होगा, फिर इंटू सी फोर फोर का वैल्यू वन होगा, फोर माइनस फोर टू डी पावर जीरो यहाँ क्या हो जाएगा जीरो टू डी पावर फोर। तो इस तरह से इसका वैल्यू होगा 256, फिर यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा और ये टोटल कितना हो जाएगा 324, फिर यहाँ प्लस ये टोटल हो जाएगा 96, ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और ये टोटल हो जाएगा 4। तो इस तरह से हमें टोटल क्या मिलता है 256 प्लस 96 352 और यहाँ माइनस 324 माइनस 4 माइनस 328 तो घटकर 24 जो कि 4 फैक्टोरियल के इक्वल है, इसलिए क्या कहेंगे द स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।